एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरी न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है एक नए दिन के साथ, और आज दिसंबर का पहला तारीख है। सो फाइनली कंटिन्यू मैंने ब्लॉगिंग की है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मैंने एक दिन भी गैप नहीं किया है। और मैं यही होप करूँगी कि मैं हमेशा कंटिन्यू ब्लॉगिंग करूँ, बिकॉज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू ब्लॉगिंग करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ गई थी 6:30 बजे, और ब्रश वगैरह करके रेडी होके आज मैंने एक न्यू कलर, यानी कि आज मैंने पिंक कलर का टॉप पहना हुआ है, देख सकते हैं। एंड टुडे आई एम लुक सो क्यूट। और ब्रेकफास्ट वगैरह तो नहीं बना है, बनाना है, बनेगा तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक बना ली है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं सुबह उठने के बाद क्या पीती हूँ। सो चलिए दिखाते हैं मॉर्निंग ड्रिंक, और बने रहिए व्लॉग में और एंजॉय कीजिए। ठीक है, मेरी मॉर्निंग ड्रिंक अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, इसको ठंडा होने देते हैं, फिर उसके बाद हम पीएंगे, बिकॉज मैंने काफ़ी ज़्यादा कुल खोला दिया था, इसको बॉईल कर दिया था, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म है अभी, इसको ठंडा होने देते हैं। मेरी मॉर्निंग ड्रिंक काफ़ी ज़्यादा गर्म है, उसको ठंडा होने देते हैं अभी, फिर थोड़ी देर में दूध आ जाएगा, फिर उसे बॉईल करना है, फिर न्यूज़पेपर आएगा उसे पढ़ना है, फिर धूप निकलेगी, फिर थोड़ा सा धूप में बैठेंगे, ऐसे ही सीन चलेगा। और देखते हैं, और आज मेरा पार्सल आने वाला है, सो देखते हैं कैसा आता है। अभी तो मैंने जो बीच में मंगाया था डिफेक्टिव निकल गया, दिखाते कुछ और है, भेजते कुछ और है, इसलिए मूड ख़राब हो जाता है। क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, इस बारे में मैं बताऊँगी आप लोगों को आराम से। सो इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं अभी के लिए, बाद में निकालेंगे। सो मैं अभी वेट करती हूँ इसके ठंडा होने का, फिर इसके बाद मैं पीऊँगी। ठीक है, और ब्रेकफास्ट के टाइम पे आप लोग को मिलती हूँ मैं। दूध आ चुका है और मैं कर रही हूँ इसे बॉइल, टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट करने का। मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीने के बाद मैं बैठी हुई थी और वैसे ऐसे ही फ़ोन पे टाइम पास कर रही थी। सो आज मैं काफ़ी ज़्यादा लेट से ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, और अभी 9 बजने वाले हैं, और आज के ब्रेकफास्ट में बना है पोहा। सो चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ पोहा कैसा बना है। ठीक है, और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, और लंच वगैरह में क्या क्या बनाना है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। पोहा इसका लुक कुछ ऐसा है, अभी मैंने खाया नहीं है और मैं जा रही हूँ खाने। देखिए वही तो जा रहा है। सो गाइस देखिए, आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है, और देखिए धूप कुछ इस तरह की है, और मैं अभी बैठी हूँ आंगन में धूप का मज़ा लेते हुए, और पेड़ों को देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो मस्त लग रहा है ना। लंच बन के रेडी हो चुका है, और लंच में आज क्या क्या बना है चलिए आपको दिखाते हैं। ठीक है, और अभी बज रहे हैं 12:30। मैंने अभी लंच किया नहीं है, जस्ट लंच बन के रेडी होके रखा हुआ है। सो मैंने सोचा कि चलो मैं दिखा देती हूँ, मैं अभी टीवी देख रही थी थोड़ी देर पहले, मैं बाहर बैठी थी, बाहर से मैं अंदर आई, मैं फ्रेश हुई, रेडी वेडी हो गई, फिर उसके बाद अभी मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए। सो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को बिना टाइम वेस्ट किए आज का लंच। मैं बना है राइस, देखिए पालक भाजी और आलू की सब्जी, देखिए तो
देख रहे हैं अपना फेवरेट शो। लोगों ने लंच देख लिया और अभी मैंने लंच किया नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं लंच करूँ या लेट से करूँ, सो देखते हैं। सो आप लोग बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखते रहिए। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा व्लॉग देखने में, और जिन लोगों को व्लॉग देखने में मज़ा आता है वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली और भी जितने लोग हैं उनके साथ, ताकि उनको भी मज़ा आए व्लॉग देखने का। ठीक है गाइस, देखिए अभी मैं कद्दू की भाजी काट रही हूँ। देखो मम्मी को काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये भाजी, सो उन्होंने मार्केट से लाया है और मैं यहाँ काट के इसे रख दूँगी, सो मम्मी को कल इजी हो जाएगा बनाने में। देखिए यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे कटिंग चालू है और यहाँ पे रखे हुए हैं, यहाँ से लेना है, यहाँ पे काट के रखना है, फिर पूरा होने के बाद यहाँ पे डालना है। और देखो मेरे हैंड कितने क्यूट लग रहे हैं, बिकॉज मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है ना, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लगाती। सो मैं जब रायपुर गई हुई थी यानी कि अपनी बहन को हॉस्टल से लाने के लिए, इसलिए मैंने लगाया था। और वो भी पता है आप लोगों को, मैंने रात के 11 बजे नेल पेंट लगाया था। सोचो इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे इसे लगाने के लिए। और इस बाकी में बहुत क्यूट सा कलर है यार, देखो तो चॉकलेट कलर। सो चलो मैं अपने काम फिनिश कर लेती हूँ। कट करने के बाद मुझे अभी इतने सारे बर्तन धोने हैं। देखो मम्मी ने सारे सब्जी वगैरह खाली कर दी हैं, सो इसे अभी धोना है। इसे धोने के बाद मुझे अभी चिकन धोना है। आज रात के डिनर में बनने वाला है चिकन करी। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए और एंजॉय कीजिए। सो फटाफट मैं इस बर्तन को धो लेती हूँ, इसे रख देती हूँ, फिर उसके बाद चिकन धोती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। ठीक है, बर्तन धोने के बाद मैंने चिकन को भी धो लिया है अच्छे से। देखिए हल्का हल्का सा ब्लर्ड रह गया है ये यहाँ पे, उसको मैं बनाते टाइम और अच्छे से धो लूँगी। सो देखिए ये रहा चिकन, और आज रात के डिनर में बनेगा चिकन करी, जो कि मैं बनाने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं कितना यम्मी वाला चिकन करी बनाती हूँ, आप लोग देखे होंगे। और काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स मैंने बनाए हैं चिकन के ऊपर, सो आप लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने नहीं देखा, और जो लोग देखे हैं उनको तो पता ही है। सो ये बनेगा आज रात को। रहा है पीने के लिए पानी गरम। ये भी होने ही वाला है, देखो। और मैंने कॉफ़ी पिया नहीं है, सो फटाफट काम ख़त्म करके मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। बच रहे हैं शाम के 4, और मैंने फाइनली बेड भी लगा लिया है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी ज़्यादा काम मैंने निपटा लिए हैं मेरे, और अभी जा रही हूँ कॉफ़ी बनाना है पीना है। सो आप लोग को दिखाते हैं और दिखाते हैं। सो बने रहिए व्लॉग में। देखिए मैंने बेड लगा लिया, चल रहा है सॉन्ग चार्ली पुथ का, आप देख सकते हो। सो ये सिंगर किस किस का फेवरेट है ज़रा बताइए। मेरा तो नहीं है, आप लोगों का हो सकता है। ने देखा मैं अभी कितनी ज़्यादा बिजी थी, कितना सारा काम किया मैंने। सो थोड़ा सा ब्रेक मिला है मुझे मेरे काम से, सो मैं अभी जा रही हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन करने के लिए। मैं हमेशा करती हूँ मॉर्निंग इवनिंग, सो स्किन का ख्याल रखना पड़ता है। और अभी ठंड भी चल रहा है यार, इसलिए सो जाते हैं फेस पैक वगैरह लगाते हैं फिर। सो फिर उसके बाद मुझे कॉफ़ी बनाना है, कॉफ़ी पीना है। कॉफ़ी मैं पी नहीं हूँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं सबसे पहले स्किन के ऊपर फोकस करूँ, फिर उसके बाद स्किन का काम निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद हम बनाएंगे कॉफ़ी और आराम से बैठ के पियेंगे, बिकॉज कॉफ़ी ठंडा होने में टाइम लगता है, इसलिए ये इस काम को पहले से निपटा देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा, फिर उसके बाद वो करेंगे, उसके बाद आटा गूंथना है डिनर के लिए। ऐसे ही करना है यार, काम एनी टाइम चलता रहता है मेरा। और मेरे जो भी काम होते हैं मैं आप लोगों के साथ तो शेयर करती हूँ। सो मेरा हमेशा डेली घर का ही रूटीन वाला व्लॉग बनाती हूँ मैं। सो आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा देख के। और जो लोग देखते हैं व्लॉग वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो अगर पसंद आता है तो, और पूरा वॉच किया करो, मज़ा आएगा आप लोग को भी देख के। चलो यार
टाइम वेस्ट नहीं करती। शाम हो चुकी है फाइनली, और भी काम करने हैं, दूध भी गर्म करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है मम्मी शाम को पीती है हॉर्लिक्स वाला दूध, सो दूध भी गर्म करना है, उनके लिए रेडी करके रखना है। और क्या बताऊँ, आप लोग देखते ही रहो। ठीक है, डिनर के लिए मैंने आटा भी गूंथ के रेडी रख लिया है। देखिए इतना सा आटा मैंने गूंथ के रेडी रखा है, बिकॉज थोड़ा सा राइस बचा हुआ है, उसका हम फ्राइड राइस बना लेंगे, यानी कि फ्राई कर देंगे उसको जीरा के साथ में। और ये रोटी हम अपने लिए बनाने वाले हैं। सो जिसका मन रोटी खाने का करेगा वो रोटी खाएगा, जिसको राइस खाना है वो राइस खाएगा, ऐसा सीन चलता है हमारे घर पे। मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, और ये फाइनली बन चुका है देखिए, लेकिन अच्छे से खोला नहीं है। अच्छे से खोलने देते हैं। आप सही खोलें। फाइनली मेरी कॉफ़ी बनके हो चुकी है रेडी। देखिए और ये कितनी डार्क बनी है। आप लोग को पता है ये डार्क कॉफ़ी इतनी ज़्यादा कड़वी होती है ना यार, बैंड बज जाता है। मेडिसिन तो एक बार आप खा लोगे, बट ये डार्क कॉफ़ी पीना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्या बताऊँ मैं आप लोग को, बट फिर भी मुझे पीना पड़ता है। सो यही सीन है। देखिए बनाने के बाद गाइस, मैं यहाँ पे दूध को कर रही हूँ बॉईल, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मम्मी शाम को हॉर्लिक्स वाला दूध पीती है, तो उनके लिए दूध को कर रही हूँ बॉईल। फिर उसके बाद हम इसमें इसको कप में निकालेंगे और हॉर्लिक्स डालेंगे। तो चलो इसे होने देते हैं। बना रही हूँ हॉर्लिक्स वाला दूध, जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था थोड़ी देर पहले। मैं कर रही थी दूध को बॉईल, फिर इसके बाद मैंने दूध इस कप में निकाला है, फिर इसके बाद मैंने इसमें हॉर्लिक्स डाल दिया है, और अब मैं इसे मिला रही हूँ, शेक कर रही हूँ। ये फिर ठंडा हो जाएगा, फिर इसके बाद मम्मी आके इसे पी लेगी। और मैंने भी अभी कॉफ़ी नहीं पिया, देखो यहाँ पर रखा हुआ है मेरा कॉफ़ी, बिकॉज ये ठंडा ही नहीं हुआ यार अभी तक, इसलिए मैं इसे नहीं पी पाई हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे काम कर रही हूँ, जिससे मेरे दोनों काम हो जाएंगे। खाने के बाद अभी मैं खाने वाली हूँ बनाना, और यहाँ पे देखो ये दो बनाना खराब हो चुके हैं, देखो कितना गंदा दिख रहा है यार ये। छी, इसे फेंकने पड़ेंगे, आई थिंक ये सड़ गया है। देखो मम्मी को दिखाने के लिए रखा हुआ है हमने, और यहाँ पे कुछ अच्छे बचे हुए हैं, आई थिंक चार ही है, हाँ चार ही है, चार है जो सही है। सो खाते हैं। गाइस फाइनली मैंने डिनर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, और ये मैंने टमाटर काट के रेडी कर लिया है, और वहाँ पे आलू बॉईल हो रहा है, चिकन बॉईल हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो यहाँ पे हो रहा है आलू बॉईल, देखिए। और अभी रात के बज चुके हैं 8, सो इसे बनने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा ही जाएगा। दिखाती हूँ मैं आपको कब बन के रेडी होगा। और यह मसाला भी रेडी है, देखिए पेस्ट, यानी कि जिससे चिकन बनाया जाता है, वो भी हम लोगों ने रेडी कर लिया है। वैसे तो रेडी करके हम उसे फ्रीजर में ही रखे रहते हैं, ताकि बनाने के लिए कोई भी चीज़ बनाने के लिए एकदम ईजी पड़े। सो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, पेस्ट बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग को इजी पड़ेगा अगर कोई भी चीज़ आपको तुरंत बनाना है तो। गर्म हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं इसमें आलू फ्राई करूँगी, फिर उसके बाद चिकन फ्राई करूँगी। और दोनों बॉईल हो चुके हैं, ये देखिए चिकन मैंने इसको निकाल लिया है बॉईल करके, लुक्स वेरी यम्मी। और ये मेरा फेवरेट कलेजी, और आलू भी बॉईल हो चुका है, देखिए ये भी बॉईल कर दिया मैंने। अब इन दोनों को हम करेंगे फ्राई, फिर उसके बाद बनाएंगे, सब रेडी करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
पे कर रही हूँ आलू को फ्राई, देखिए। इसके बाद हम चिकन को फ्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी अच्छे से ब्राउन नहीं हुए हैं, जब ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे फिर उसके बाद हम इसे निकालेंगे। सो इसको अच्छे से ब्राउन होने देते हैं। देखिए आलू हो चुके हैं फ्राई और क्रिस्पी, और अभी मैं चिकन को कर रही हूँ ऐसे ही फ्राई। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं आलू, एकदम यम्मी। मैं इसे भी छू नहीं सकती, आई मीन टच नहीं कर सकती, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा गर्म है। बट इतना बोल सकती कि बहुत ही प्यारा फ्राई किया है मैंने और यम्मी लग रहा है। सो देखिए हो रहा है चिकन बॉईल, देखिए दोनों को बॉईल कर लेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बने रहिए आप लोग व्लॉग में और एंजॉय कीजिए। देख सकते हो फाइनली चिकन बनके रेडी हो चुका है, देखिए, और लुक्स इज़ अ वेरी यम्मी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। सो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, और मिलेंगे कल के मेरे एक न्यू ब्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट, क्यूट चिकन के साथ, गुड नाइट।